नहीं आओगे नमाज पढ़ने के लिए, खौफ तो आएगा। बच्चे हैं, बच्चे को, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब ये दिमाग चलना शुरू होगा, वरना ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले छोटी छोटी चप्पलें और जूतियां ना लगा रहे होते अपनी गाड़ी के नीचे। क्यों? क्योंकि दिल के करार के लिए किसी चीज पर एतमाद करना है, जिसके पास अल्लाह नहीं वो इन्हीं चीजों पर आएगा। तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी का सुकून ये है कि उस्ताद जी कोई ऐसा वक्त आ जाए जिंदगी के अंदर, ना माजी की कोई गम हो, ना फ्यूचर की कोई टेंशन हो। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी का सुकून ये है कि उस्ताद जी कोई ऐसा वक्त आ जाए जिंदगी के अंदर, ना माजी की कोई गम हो, ना फ्यूचर की कोई टेंशन हो। कितना, किस तरह होगा ये? तो किसी ने फलसफा आपको बेच दिया कि ज्यादा पैसा होगा ना तो हर चीज कर सकते हो। सेहत कहां से लेके आओगे? जवानी में भी जा सकते हो, किस किस चीज से भागोगे? यहां पे इतने वायरस होंगे, अगर अल्लाह दिखा देता तो हम वैसे ही डिप्रेशन में मर चुके होते कि ये लग ना जाए मुझे, तो अल्लाह ताला ने गायब कर दिया आंखों से। किस किस चीज से बचोगे? अमन अमान की सूरत हाल भी आपके सामने है। पाकिस्तान में तो मस्जिद के अंदर लोग चले जाते हैं, नहीं आओगे नमाज पढ़ने के लिए, खौफ तो आएगा। बच्चे हैं, बच्चे को, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब ये दिमाग चलना शुरू होगा। आप इसको, जिसका ज्यादा चलना शुरू होता है दिमाग, तो हमारे कुछ लोग उसको गोली दे देते हैं कि ज्यादा चल रहा है, आप आराम की गोली खाएं, आराम करें, ज्यादा नहीं सोचें। या कोई शिरक वाला जो है उसको कुछ चीज पहना देगा, बोलेगा बस इस पर ये पहन लो, कहानी मसले की बात नहीं। वरना ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले छोटी छोटी चप्पलें और जूतियां ना लगा रहे होते अपनी गाड़ी के नीचे। क्यों? क्योंकि दिल के करार के लिए किसी चीज पर एतमाद करना है, जिसके पास अल्लाह नहीं वो इन्हीं चीजों पे आएगा।